बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैंने उत्तराम रोली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। आरक्षण के मामले को लेकर आज बिहार में दो तरफ बैठक थी, एक तरफ दलित विधायकों के अकेलों की बैठक थी जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के दलित विधायक है वो खास तौर से पहुंचे थे, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि बहुजन जो आरजेडी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनकी तरफ से भी आज बैठक बुलाई गई थी। तो इस मामले में लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से क्या कुछ स्पष्ट रुख है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने आरक्षण के मामले में क्या कुछ फैसला लिया, क्या मास्टर प्लान है लालू प्रसाद यादव की पार्टी का, आइए हम सुनते हैं बहुजन जो आरजेडी है उनके नेता शिवचंद्र राम क्या कुछ कह रहे हैं। अति पिछड़ापन जब जब अत्याचार हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी रही है जो लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। हम लोग को आरक्षण जो समाप्त की गई है, इस आरक्षण को बचाने के लिए हमारी मुहिम, हमारी ताकत लगी हुई है कि इस आरक्षण को हम लोग जो है कि बचाए, जिसके लेकर करके हम अपने नेता को याद दिलाने के लिए आए थे कि संविधान बचाने की जरूरत हुई तो सबसे पहले आपने रोड पर आया। SC ST एक्ट हमारी जो खत्म कर दी गई थी उस समय भी आपने सदन छोड़ करके और सड़क पर आने का काम आपने किया था। सामाजिक न्याय, जब हमको न्याय नहीं मिल रहा था, मंदिरों में हमारी जो प्रवेश नहीं थी तो लालू प्रसाद यादव जी की कृपा हुई और उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ कर करके मंदिर में भी हमको स्थान देने का काम किया। कट ऑफ मार्क्स हमारा जब समाप्त कर दिया गया, इसकी लड़ाई भी अगर हमारा कोई लड़ने वाला नहीं था तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। हमारा जो है प्रणति में जो हमारा आरक्षण है, ये आरक्षण जो है ये समाप्त कर दिया गया, तो इसकी लड़ाई आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ने का काम किए, राष्ट्रीय जनता दल ने क्या करने का। जो हमारा जो है बैकलॉग हमारा था, इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी लड़ाई भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लड़ने का काम किया। और आज के समय में जैसे 200 रोस्टर जो हमारा था, जो उच्च शिक्षा में जो बहाली में हमारी जो थी, उसको 13 रोस्टर कर करके हमारी शक्ति को कमज़ोर कर दी गई। तो ये तमाम जो दलितों पर हो रहे अत्याचार, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, गैंगरेप और बराबर प्रताड़ित जो किया जा रहा है सामाजिक स्तर पर भी, ये तमाम मुद्दा पर हमारा राष्ट्रीय जनता दल और इसके नेतृत्वकर्ता श्री लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा जा रहा था। आई राष्ट्रीय जनता दल के हमारे तमाम जो हमारा दलित जो SC और ST के जो हमारे विधायक हैं, इन लोगों ने हम लोगों ने एक निवेदन करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगता बाबू और प्रधान महासचिव श्री आलोक कुमार मेहता जी से आए कि हमारा जो आरक्षण धीरे धीरे केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार ये समाप्त कर रही है, तो इसको जो इससे बचाने के लिए हमको मदद करिए। आप सब दिन हमको मदद आपने किया है, हमको इस बार भी मदद करिए, इसके लेकर हम लोग काफी उत्साहित है कि हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगता बाबू ने ये कहा कि आपकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे और आपका अधिकार जो अब छीना जा रहा है उसको हम लोग मरते दम तक जो है कि हम इस लड़ाई को लड़कर आपको हम दिलाने का काम करेंगे। जिसने आपको कट ऑफ मार्क्स को खत्म किया है, जिसने प्रोन्नति में आरक्षण को खत्म किया है, जिसने आपको बैकलॉग खत्म किया है, जिसने 200 रोस्टर जो उच्च शिक्षा में बहाली का खत्म किया है, जिसने आपको SC ST एक्ट की ताकत को खत्म किया है, ये तमाम जितने भी मुद्दाएं हैं इसका राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि लड़ाई लड़ने का काम करेगा और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम जो है कि करने का काम करेगा। इसी के लेकर आज अपने फरियाद नेता ने बड़ी गंभीरता से लगभग 5 घंटा हमारी बात को उन्होंने सुनने का काम किया। एक एक हमारे जो विधायक हैं उनकी बात को पूरी विस्तार से उन्होंने एकदम सुनने का काम किया, उसको नोट करने का काम किया और सफाई प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री जगता बाबू को एक एक चीज से अवगत भी कराने का काम किया और उन्होंने कहा है कि इस आरक्षण के लेकर अगर हमको जो है अगर जरूरी पड़ेगा तो हम लोग जो है कि शिवचंद्र राम जी, आप अपनी लड़ाई को लेकर अभी तक श्याम रजक, जीतन राम मांझी, जदयू और बीजेपी के नेताओं के पास जाते थे, आज तेजस्वी के पास क्यों आ गए, वहाँ क्यों नहीं गए? आज बैठक थी जीतन राम मांझी जी के पास। देखिए, हम किसी के यहाँ जाते नहीं थे, हमारा ये कहना था कि हम लोग जो है कि लड़ाई